प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल DRG Academy में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9th का 1E करड़ी करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करड़ी इस चैप्टर में हम लोग करड़ी के नियम, ठीक है, और कड़ी को जोड़ना, कड़ी को घटाना, गुणा करना, भाग करना और कड़ी को जोड़ना, घटाना, भाग करना, इतना सीखेंगे ना। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसके नियम, कड़ी के नियम ना। कड़ी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो कड़ी में हो, ये कड़ी का सिंबल है। करणी में जो भी संख्याएं होती है उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो भी करणी में आए जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, संख्या क्या कहलाते हैं? करणी, ठीक है। इसके नियम, करणी के नियम हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। करणी के नियम, ठीक है, चलिए करणी के नियम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट ए, कर्णी में ए है, इसका घात n है, ठीक है ना। और गुणे कर्णी में बी है, इसका भी घात n है, यानी दोनों का घात समान है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्णी में n दोनों को लिख सकते हैं एक साथ बी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है n, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कर्णी में 2, इस पे घात 3 दे दिया, क्लियर, गुणे फिर दे दिया है कर्णी में 3, यहाँ पे दे दिया है 3 ही ले लिए ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्णी में 3 और दोनों का गुणा कर दीजिए, द्वितीय है 6, ठीक है। दोनों का गुणा ही तो हुआ है ना, ये ए गुणे बी, इसका मतलब गुणा ही होता है बीच में ना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम है इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कर्णी में यन, यहाँ पे दिया बी बट्टे कर्णी में यन और नीचे दिया बी, यह कर्णी पे घात यन है और नीचे भी कर्णी पे घात यन है, दोनों का घात समान है ना। कर्णी में कोई भी संख्या हो लेकिन अगर घात समान है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पूरे को कर्णी में ए बट्टा बी, क्लियर है ना। और कर्णी में ए घात एन बट्टे कर्णी में बी घात एन दिया है, तो हम इसको बराबर पूरे को ए बट्टा बी को कर्णी में घात एन लिख सकते हैं, क्लियर। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है कर्णी में 7 बट्टे कर्णी में 5 ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पूरे को कर्णी में 7/5, क्योंकि दोनों का घात समान है। अगर जिस पे कर्णी का घात कर्णी दिया, इसका घात ना लिखा है, कुछ भी घात लिखा रहे थे, इसका घात 2 होता है और इसको हम लिखते नहीं है। यहाँ पे कितने घात है? 2, लेकिन इसको 100 नहीं करते हैं, 2 लिखना जरूरी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन 2 से अधिक है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, ये जितने भी रूट और होंगे, इतने 3, 4, 5, 6, 2 से अधिक तो लिखना पड़ेगा, और घात 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन अगर 2 लिखना है तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लिखते नहीं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम, जैसे मान लीजिए दिया है कड़ी पे यन दिया है, यहाँ पे दिया ए, ठीक है, और इसके ऊपर भी घात दिया है ना, यानी दोनों का घात समान है, तो ये कर्णी हट जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए, क्लियर। इसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ दिया 5 कर्णी में 5, ठीक है, इसका घात दे दिया 4 और इसका भी घात दे दिया है 4, तो ये कर्णी जो है ना, अगर इसका घात 4 है और इसका भी घात 4 है तो कर्णी हट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4, 4 देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए
कड़ी में दिया है यहाँ पे यन पे घात, कड़ी में यन, सॉरी कड़ी में दिया है ए और इस पे घात यन दिया है, ठीक है। और इसका जो ए है अंदर, इस पे भी घात दे दिया है, मान लीजिए कुछ मान लीजिए दे दिया बी, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो क्या करते हैं, चलिए इसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यन और ए पे घात बी, ऐसा दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी बट्टा यन, ए पे घात बी बट्टा यन, ऐसे, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कड़ी में दिया है, यहाँ पे दे दिया 9, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3, और 3 9 लिखिए, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 27, और यहाँ पे दे दिया है 3, और इससे भी घात दे दिया है 6, ठीक, ऐसा दिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 27, ठीक है, फिर आप 6/3, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख, फिर इसको काटेंगे तो 27 3 दूना 6, दो बार में कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 749 रहेगा ना, यहाँ पर ये रहेगा 77। देखिए इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, पर इसका स्क्वायर करिए 749, कुनवा लिखिए हासिल 4 हो जाए, फिर इसका इसमें गुणा करिए, फिर इसका इसमें 7 × 14, 14 × 28 और 28 × 4, 32 × 2 = 3, फिर अब इसका स्क्वायर करिए 2 × 4 3 जोड़ दीजिए 7, ठीक, समझ में आ रही बात। अगर आप इसको ऐसे अनलिख करके इसको हल करना चाहते हैं तो भी यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इसको हल कर, जैसे मान लीजिए दिया है कड़ी में 3, सॉरी कड़ी में 27 पे घात 6 और अंदर और कड़ी का घात 3 दिया, तो कड़ी का घात 3 का मतलब क्या होगा कि 3 जोड़ा अगर बनेगा 27 का तो एक कड़ी से बाहर आएगा ना, तो लिखेंगे इसका क्या, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 27 पे घात 3 गुणे 27 पे घात 3 पे घात 3 लिख सकते हैं, गुणा में घात जुड़ जाता है ना, तो इसके भी 3 है इसके भी 3 है, तो दोनों निकल जाएगा बाहर 27 × 27 आ जाएगा 729, क्लियर, समझ में आ रही बात। ये भी एक नियम है, ये भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, गुणा में घात जोड़ता है ना। चलिए अगला रूल देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए दिया है 2 × 3 × 4/5 ऐसे, ठीक है, तो फिर इसको 2 × 3 × इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और ऊपर 5 लिख सकते हैं, फिर 2 × 3 × ये जब इस तरह का घात होता है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है ना, तो 2 × 10, अब देखिए गुणा में है तो दोनों का घात जुड़ जाता है, तो लिखिए 2 × 13, तो ये घातांक के घातांक में हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे पिछली कक्षाओं में, ये 6, 7, 8 की चीज़ें हैं ना, गुणा में घात जुड़ जाता है, ठीक है, और भाग में घात घट जाता है। जैसे मान लीजिए दिया है 2 × 10 / 2 × 3 ऐसा दिया, तो क्या होगा 2 × 10 − 3 यानी 2 × 7, ठीक। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, फिर भी आप लोग एक बार देख लिए समझ लिए, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कड़ी के घात जो घात हैं उनको बराबर करने का नियम पढ़ेंगे ना, सीखेंगे हम कड़ी के घात कैसे बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी सॉरी चलिए 3 ही ले लीजिए, कड़ी में 3 × 3, ठीक है, और एक और दिया है कड़ी पे 4, सॉरी कड़ी में 5 ले लीजिए, कड़ी में 5 और इसका घात 4, ठीक है,
इसका जो जो घात है ये इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लॉस लेंगे, चार और तीन का लॉस लेंगे, कितना का 12 आया, तो इसको 12 बनाना है। तो 12 बनाना है तो इसमें गुणा कितने से करेंगे, 3 × 4, लेकिन जब 3 × 4 इसमें करेंगे तो इसमें भी घात 4 करना पड़ेगा, 3 × 4, ठीक है। और इसका भी कर लीजिए, 4 इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो जब 3 से गुणा किया है तो इसमें भी घात 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौड़ी पे घात 12 और अंदर हो जाएगा 3 × 4, और ये भी हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम घात को बराबर करते हैं ना। चलिए अब सीख लेते हैं शुद्ध करणी। शुद्ध करणी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए करणी में 12 दिया है ना, तो इसको बोलेंगे हम शुद्ध करणी। क्या बोलेंगे, शुद्ध करणी। लेकिन यही अगर इसको मैं अंदर ऐसे लिख दूं, 2 × 2 × 3, तो क्या जाएगा, 2 × 4, यानी 2 × 2 लिख सकते हैं, और 3 करणी पे घात 2 है, 2 लिखते नहीं है, जिसका घात 2 होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 करणी में 3। तो जब इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं मिश्र करणी। क्या बोलते हैं, मिश्र करणी, ठीक है। यानी एक परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलेंगे, मिश्र करणी। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध करणी, शुद्ध करणी, ठीक है। इसको बोलेंगे मिश्र करणी, मिश्र करणी, ठीक है। आपके यहाँ अभी प्रश्नावली में ऐसे सवाल आएगा, शुद्ध करणी में बदलिए, मिश्र करणी में बदलिए, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 2 × 2 = 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और जिनके 3 जोड़े बनेंगे वो करणी से बाहर निकल जाएगा, और जिनके जोड़े नहीं बनेंगे वो करणी के अंदर आ जाएगा। तो इसको करिए 3 × 3 = 9 × 3 = 27 × 3 = 81, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसका 3 का मिलकर 1 जोड़ा बन जा रहा है ना इसका, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 3 = 3 × 3 लिख सकता हूँ। अब इसका 3 घात है, ये बाहर निकल जाएगा, तो 3 × 3 और इस पर भी घात 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मिश्र करणी है, और ये क्या है, शुद्ध करणी है, ठीक। अब सवाल ये क्या है, अगर मान लीजिए सवाल दे दें कि मिश्र करणी दे दें, अब बोले कि उसको शुद्ध करणी में बदलिए, ये तो समझ गया आप, शुद्ध करणी में दिया है तो मिश्र में कैसे बदलेंगे, लेकिन अगर मिश्र करणी में दे दिया तो उसको शुद्ध करणी में कैसे बदलेंगे। चलिए इसको यहां समझ लेंगे, जैसे दिया है यहां पे, मान लीजिए दे दिया 2 × 3, ठीक। अब इसको हमको बदलना है शुद्ध करणी में, ये कौन सा करणी है, मिश्र करणी है। अब जरा देखिए, ये 2 है, जब अंदर आएगा इस पे घात 2 है ना, तो जब ये अंदर आएगा तो इस पे घात 2 चढ़ जाएगा, यानी 3 × इसको मैं जब अंदर लाऊंगा तो 2 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 2 × 2 था तभी तो इसको बाहर निकाले थे ना, इसका जोड़ा था तभी तो बाहर निकला था, तो अंदर आ गया फिर इसका जोड़ा बन जाएगा ना, तो ये अंदर आ गया इस पे 2 × फिर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध करणी ना। ये 2 × 4 अच्छा 3 × 12, समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से आप प्रश्नावली के सवाल जो है हल करेंगे, शुद्ध करणी में बदलना सीखेंगे ऐसे, और मिश्र करणी में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे अगले दिन।
अगले पार्ट के साथ। ये कहानी का पार्ट 1 था, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।